हेलो दोस्तों, नमस्कार। आम आदमी पार्टी के एक जो है सपोर्टर हैं श्री ध्रुव राठी जी। उनकी कुछ चीज़ें हैं, स्पेशली दो चीज़ मेरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं आई, जिसमें एक वो ओड इवन जो दिल्ली के अंदर चला था 2016 में, और उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट हुआ और उसमें जो पैसा खर्च हुआ, वो इस इनिशिएटिव को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि अगर उसमें पैसा खर्च हो गया तो क्या हुआ। एक किस्म से उनका कहने का तात्पर्य ये है कि वह एक अच्छा इनिशिएटिव था, अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च होता है तो क्या गलत है। अच्छी बात है जी राठी जी, हम आपसे बिल्कुल एग्री हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को समय समय पर इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ वहीं एक दूसरी वीडियो में वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने सफाई अभियान के लिए, ताकि हमारा देश साफ स्वच्छ रहे, उसके लिए पैसा क्यों खर्च किया। ये कुछ बात हजम नहीं हुई मुझे बात हजम नहीं हुई कि ओड इवन के लिए पैसा खर्च हो एडवर्टाइजमेंट में, इट्स ओके, ये प्राउड है उनके लिए। परंतु अगर बीजेपी या मोदी सफाई अभियान के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है तो वह गलत हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या ओड इवन से ही लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साफ सफाई से नहीं? अगर साफ सफाई से हमारा स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है तो राठी जी अपने घर में कूड़ादान बना लीजिए आप, लोग वहां कूड़ा डाल देंगे घर के सामने। दो एक दिन आप अपना कूड़ा डालना, लोग अपने आप डाल देंगे उस कूड़ेदान में आकर के, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। शायद आप जैसे बुद्धिमान लोग इस हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि भाई ये तो बेवकूफ हैं, चलो इनको बरगलाया जाए। आपको केवल सफाई अभियान में एडवर्टाइजमेंट का पैसा नजर आया और ओड इवन में उसके प्रचार का, परंतु इनमें वाट किसकी लगी है? सबसे ज्यादा वाट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको DTC कहते हैं, उसकी लगी। एक तरफ आपकी सरकार, जो आपकी समर्थित सरकार है, आप सरकार, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक की उनमें सामर्थ्य नहीं है, और दूसरी तरफ वह उस एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च कर रही है। 3 साल से एक गाड़ी तक नहीं ला सके आपकी सरकार, बस ट्रायल ही चलते रहते हैं। पहले GPS वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई, उसका ट्रायल हुआ। क्या हुआ? डाक के 3 पात। फिर कैमरे का ट्रायल चला, क्या हुआ? ढक के 3 पात। अभी वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल करेंगे। शायद आपके मंत्री महोदय या आपके मुख्यमंत्री महोदय ये नहीं जानते कि यह ट्रायल ऑलरेडी DTC में हो चुका है। आप फाइल खंगवा लिए DTC की, आपको पता लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट विभाग की, जो आपका ट्रांसपोर्ट विभाग है, और DTC की फाइलें खंगा लिएगा कि ट्रायल हुआ है या नहीं। 3 साल से बस आ रही हैं, आपकी सरकार कहती है कि जो अशोक लीलैंड हैं और टाटा, यह जो है दोनों कंपनियां बसों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बता रही हैं। तो वह कीमत क्या दिल्ली के लिए ही है?
पूरे इंडिया में वो कीमत उस कीमत से कम वो जो कंपनियां हैं गाड़ियां दे रही हैं। जबकि इन दोनों कंपनियों ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई बिड प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी सरकार क्यों झूठ बोलने में लगी है? ये उन्होंने हलफनामा हाई कोर्ट में दिया है दिल्ली के। तो किसे बेवकूफ बना रहे हैं राठी जी आप? लोग बहुत समझदार हैं। यह नहीं हो सकता कि ओडविन के एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च हुआ है तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक था, ये करना था, अवेयर करना था लोगों को। कितने दिन के लिए? 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते भी नहीं मेरे ख्याल से वो चला। परंतु सफाई तो एक ऐसी चीज है जो आपकी जीवन में निरंतर चलती रहती है। उस पर आपको ऑब्जेक्शन हो गया, उस पर अगर कुछ फंड खर्च हुआ है तो। और विडंबना यह है कि हमारे देश की कि साले लोग घरों में से बाहर निकलते हैं और गली में जो है कूड़ा फेंक देते हैं। कहेंगे तो आपको 5-10 वीडियो दिखा दूंगा बना करके, और वो भी दिल्ली में। ठीक है ना राठी जी? थैंक यू एंड बाय बाय। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। लोग बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ हैं।